नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको हिंदी व्याकरण की दुनिया में। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट। प्रतिवेदन जो है हमारी 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर आता है। इसके अलावा हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर भी प्रतिवेदन को देखने को मिलता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर भी, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं प्रतिवेदन के बारे में। क्या होता है प्रतिवेदन? देखिए, भूत अथवा वर्तमान यानी पास्ट और प्रेजेंट की विशेष घटना प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। यानी हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं वर्तमान के और भूतकाल के, जैसे हम कहें डायरी या आत्मलेखन जिसे बायोग्राफी भी कहा जाता है, जीवनी जो होती है हमारी, वो सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारी प्रतिवेदन की होती है। यानी रिपोर्ट लिखना, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी बजे खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भूत तथा वर्तमान की घटना को क्रमबद्ध रूप में लिखना क्या कहलाता है? प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहा? प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके, यानी उस घटना के समय आप प्रत्यक्षदर्शी होने चाहिए, यानी आंखों के सामने आपकी वो घटना होनी चाहिए। अतः अति संक्षिप्त किंतु काफी सार गर्भित रचना होती है जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तु परक जानकारी मिल जाती है, इसे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। जैसे हम न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, समाचार पत्रों में हम देखते हैं समाचार, तो समाचार पूरी की पूरी घटना का विस्तार से वर्णन नहीं होता है, वो संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित वर्णन होता है। तो वही हमारी क्या होती है? प्रतिवेदन होती है, रिपोर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन जो है अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समाचार पत्र के लिए किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन कहा जाता है। थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसे चोरी आदि की शिकायत या रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन कक्ष बने हुए होते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन गए हो कहीं तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक रिपोर्ट रूम होता है, प्रतिवेदन रूम होता है। इन स्थितियों में प्रतिवेदन से विवरण, सूचना, समाचार अथवा शिकायत आदि अर्थ लिए जाते हैं। प्रतिवेदन एक विशेष अर्थ भी है। किसी कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है जिसमें उस योजना या समस्या का विस्तृत ब्यौरा दिया गया होता है। यह विवरण गहन पूछताछ तथा छानबीन पर आधारित होता है। अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से संबंध तथ्यों का प्रामाणिक तथा निष्पक्ष विवरण होता है, इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है। संक्षिप्तता तथा स्पष्टता प्रतिवेदन का अनिवार्य गुण होती है। हमारी रिपोर्ट का अनिवार्य गुण क्या होता है? एक तो संक्षिप्तता और दूसरा स्पष्टता। बढ़ा चढ़ाकर बात इसमें नहीं की जाती है, सीधे सरल शब्दों में और कम शब्दों में हमें रिपोर्ट बनानी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है? हमारा मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है? देखिए, प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना होता है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम ना होने पाए। जो गलती हम पहले दोहरा चुके हैं वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए रिपोर्ट, इसलिए प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। जो हमने फील किया है, जो हमने अनुभव किया है, उसी के बारे में पूरी तरीके से सही और सटीक वर्णन होता है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी होता है। भूत की भूल से लाभ उठाकर, भूत की यानी भूतकाल की यानी पास्ट में जो गलतियां हुई हैं हमारी, उनसे लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना उसका मुख्य प्रयोजन होता है। मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या होता है? यानी भूतकाल में जो गलतियां हुई है, हमसे पहले जो गलतियां हुई है, उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं, हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। किंतु प्रतिवेदन डायरी या दैनंदिनी नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो ना तो डायरी है, डायरी को ही हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है, यानी डेली के जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे, उनको लिखना हमारी जो रिपोर्ट नहीं कहलाता है।
प्रतिवेदन में यथार्थ की तस्वीर रहती है, वास्तविकता की तस्वीर रहती है, और डायरी में यथार्थ के साथ लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त होती है। दोनों में स्पष्ट भेद है, यानी जो हमारी रिपोर्ट है उसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, यथार्थता होती है। ठीक है, प्रतिवेदन में यथार्थ होता है, वास्तविकता होती है, जबकि जो डायरी है, दैनंदिनी, उसके अंदर लेखक के भाव, कल्पना आदि भी जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवेदन के प्रकार, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। मनुष्य के जीवन बहुरंगी है, उसमें अनेक घटनाएं नित्य घटती रहती हैं, यानी मनुष्य का जो जीवन है उसमें रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, अच्छे बुरे कार्य होते रहते हैं। प्रतिवेदन में सभी प्रकार के प्रसंगों और कार्यों को स्थान दिया जाता है। सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी समय समय किसी 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 कार्य या घटना का प्रतिवेदन अपने से बड़े अफसर को देते रहते हैं, यानी उनके कार्यालय में क्या हो रहा है या कौन सी समस्या है या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, पिछले साल क्या रहा था, उन सब चीज का ब्यौरा वो रिपोर्ट प्रतिवेदन बना करके अपने बड़े अधिकारियों को पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों के संवाददाता भी प्रधान संपादक को प्रतिवेदन लिखकर भेजते हैं, वो जो रिपोर्ट बनाते हैं यानी वो जो समाचार पत्रों में छपने वाली जो खबरें हैं उनको भी प्रतिवेदन के रूप में वो एडिटर जो संपादक होता है उनके पास पहुंचाते हैं। वो उसमें काट छाट करते हैं, यानी उसमें अशुद्धियों का देखते हैं, यानी सही गलत को देखते हैं, और फिर वो आगे छपने के लिए भेजते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक भी शिक्षा पदाधिकारियों को अपने स्कूल के संबंध में प्रतिवेदन लिखकर भेजते हैं। गांव का मुखिया भी अपने गांव का प्रतिवेदन सरकार को भेजता है। किसी संस्था का मंत्री भी उसका वार्षिक या अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सभा में सुनाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक और सरकारी जीवन में प्रतिवेदन का महत्व और मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी हर किसी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर किसी में हमारे प्रतिवेदन का महत्व है। अब हमारे जो प्रतिवेदन है ये तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब क्या होते हैं ये आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के किसी संबंध में अथवा विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख अधिक रहता है। यह प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का रूप भी ले लेता है। यह प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि हमने शुरू में देखा अभी, क्योंकि डायरी यानी दैनंदिनी और जो हमारा प्रतिवेदन है इसमें अंतर क्या है। प्रतिवेदन में यथार्थता का वर्णन होता है, यथार्थता का चित्रण होता है, वास्तविकता दर्शाई जाती है, जबकि डायरी जो होती है उसमें हम जो लेखक है उसके भाव और उसकी कल्पनाओं का भी समावेश हो जाता है, जबकि प्रतिवेदन यथार्थता का वर्णन है। तो हमारा ये जो व्यक्तिगत प्रतिवेदन है ये किसके अंतर्गत आता है, आदर्श प्रतिवेदन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। दूसरा आता है हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं हम एक बार, व्यक्तिगत प्रतिवेदन का उदाहरण है, जैसे हम जो दैनिक क्रियाकलाप होता है, एक बालक का क्रियाकलाप है, तिथि लिखी उसने, सबसे पहले दिनांक लिखी है 7/10/2000, सुबह 5 बजे उठा, क्रिया कर्म कर 6 बजे पढ़ने बैठा, यानी उसने जो प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं वो क्रिया करे, और कहाँ बैठा, 6 बजे पढ़ने के लिए बैठा। अचानक सिर में दर्द हुआ, बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, नींद आ गई, 1 घंटे बाद जगा पर दर्द वैसा का वैसा बना रहा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई देकर घर लौटा, दवाई खाई, फिर लेट गया, दर्द दूर हो गया, 10 बजे भोजन किया, विद्यालय गया, स्कूल के लिए चल पड़ा, 12 बजे फिर दर्द, सिर में दर्द शुरू हुआ, छुट्टी लेकर घर लौटाया, सारा दिन इसी प्रकार कटा। आपको पढ़ने में कुछ लगा, मजा आया, आनंद आया, नहीं आया? तो इसीलिए कहा गया है कि ये प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या है? इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदक अपने बारे में कुछ ना कहकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में लिखता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन में क्या होता है, व्यक्ति अपने बारे में बातें बताता है, जबकि संगठनात्मक क्या होता है, संगठन के बारे में बताता है, संस्था के बारे में बताता है, अपने बारे में वो किसी प्रकार का वर्णन नहीं करता। यह प्रतिवेदन मासिक यानी महीने में एक बार, त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार,
अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में एक बार, यानी आधे साल में एक बार, और वार्षिक अर्थात साल में एक बार भी हो सकता है। एक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने निम्नलिखित प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। उदाहरण है हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन का, देखिए किस प्रकार लिखते हैं इसको। प्रतिवेदन संगठनात्मक में व्यक्ति अपने बारे में ना बता के संगठन संस्था के बारे में बताता है। ये मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है और वार्षिक हो सकता है। ठीक है, अब विवरणात्मक क्या होता है देखिए। विवरणात्मक में किसी कार्य योजना घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे किसी शिविर के आयोजन का, किसी संस्था की वार्षिक उपलब्धियों का, किसी परिषद के कार्यकलापों आदि का ब्यौरा देना, आदि के बारे में बताना क्या है? विवरणात्मक प्रतिवेदन। जैसा कि हमें नाम से पता पड़ रहा है, विवरण प्लस आत्म, यानी पूरा का पूरा वर्णन, विवरण करना। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का विवरण तैयार किया जाता है। प्रतिवेदक को यहाँ बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देना पड़ता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन का एक उदाहरण है, जैसे किसी मेले के बारे में बताया जाता है, तो मेले का प्रतिवेदन देखिए किस प्रकार बनता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में हर साल लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। ये कार्तिक की पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले से 15-20 दिनों तक गंडक और गंगा के संगम पर लगता है। गंडक नदी और गंगा नदी के संगम पर सोनपुर का मेला लगता है। विवरण बता रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे लेखक कि किस प्रकार से मेले का आयोजन होता है, कब होता है और उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, कहाँ लगता है और कैसे लगता है, यानी हर साल लगता है और कहाँ लगता है, हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले 15-20 दिनों तक गंडक यानी गंडक नदी और गंगा नदी के संगम पर लगता है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ हरिहर नाथ जी के दर्शन के लिए लगती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार थी। लेखक यहाँ पूरा, भीड़ इतनी अधिक थी कि एक लड़का कुचलकर मर गया, फिर भी भीड़ अपनी जगह से हटी नहीं। हरिहर नाथ के दर्शन कर लोग सजी सजाई दुकानों की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी। देश भर के व्यापारी आए थे। आसपास के मकानों का किराया अधिक था। अलग अलग स्थानों पर दुकानें लगाई गई थी। पशु पक्षियों का जमाव एक स्थान पर था। हाथी, घोड़े, गाय, बैल इत्यादि की खरीदारी हुई। दूसरे स्थान पर साधु संन्यासी अपनी अपनी कुटी में धुनी रमाए थे। तीसरे स्थान पर सर्कस वाले तरह तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी में सारा मेला जगमगा रहा था। सारा दृश्य मनमोहक था। पूर्णिमा के दूसरे दिन में घर लौट आया। प्रश्न ये नहीं बताया कि मैं कब गया था, यानी इसने अपने बारे में ना बता करके उस मेले के दृश्य का वर्णन बहुत कम और सरल और सरस शब्दों में उसका वर्णन विवरण दे दिया। दिनांक लिख दी 20/11/2000 और नाम लिख दिया सुरेश गौतम। किसके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई, किसके द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया? सुरेश गौतम जी के द्वारा तैयार किया।